में डिस्कशन हुई थी लैंग्वेज फंडामेंटल्स के ऊपर, सी शार्प के ऊपर हमने थोड़ी सी बात की थी, उसी बात को कंटिन्यू करेंगे। मैं यहाँ पर जो है वो एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, न्यू प्रोजेक्ट। और ये नया प्रोजेक्ट जो है वो इनिशियली हम बना रहे हैं कंसोल एप्लीकेशन में, और साथ साथ कुछ विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन भी बनाएंगे। फिर एट दी एंड ज़्यादातर हम विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन ही बना रहे होंगे। कंसोल का मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारा ये है कि कुछ नए कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमारे जो पहली दफ़ा हम समझ रहे हैं वो बाय यूजिंग कंसोल एप्लीकेशन हम अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो जनाब मैंने यहाँ पे फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक किया है, तो विंडोज़ जो है वो चलिए लेने दें इसको टाइम। अच्छा, पिछली क्लास में जो मेथड्स के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो मैंने ये बताया था कि मेथड्स जो हैं उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि ना सिर्फ ये कि हम मेथड्स को कोई मैसेज सेंड कर सकते हैं, बल्कि ये कि मेथड जो हैं वो कुछ चीज़ें जो हैं वो वापस अपने कॉलिंग मेथड को रिटर्न भी करवा सकती हैं। ठीक है, और उसके लिए हमने रखा था कि मेथड की कोई रिटर्न टाइप भी होती है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि एक मेथड को एक से ज़्यादा पैरामीटर हम पास कर सकते हैं, और वो मेथड जो है वो रिटर्न वहाँ होगा जहाँ से वो मेथड कॉल हुआ था। यही बातें हुई थी ना, तो उन्हीं को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट मेथड्स एंड सी शार्प। सी शार्प, और इसको मैंने कर दिया ओके। अगर वीडियो देखते हुए आपके जहन में कोई सवाल आया करे तो उसको नोट डाउन कर लिया करें, ताकि ये कि हम नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लें, क्योंकि फिर आपको भी याद नहीं रहता कि आपने आपके जहन में क्या बात आई थी। बहरहाल, तो मेथड्स की हम डिस्कशन कर रहे थे। मैंने आपको ये बताया था कि जनाब ये मेन मेथड है, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, खुद ब खुद कॉल हो जाता है, इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा और मेथड्स हैं हमारे पास, जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पर एक ऐड का मेथड बना लिया, और इस ऐड के मेथड के अंदर मैंने दो पैरामीटर्स रख दिए हैं, इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई। और फिर अगर मैं इस मेथड के अंदर करता ये हूँ कि एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, इंटीजर के इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और उसके बाद जो है वो यहाँ से रिटर्न करवा देता हूँ के को, तो अब यहाँ पे ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मेथड जो है इसके रिटर्न टाइप में क्या लिखा पाए, वाइड। और वाइड का मतलब ये है कि ये कुछ रिटर्न नहीं करता, और हम यहाँ से कुछ रिटर्न करवा रहे हैं, लिहाजा आप ये करेंगे कि यहाँ पे जो भी रिटर्न हो रहा है वो डेटा टाइप लिख देंगे, यानी कि इंटीजर। लिहाजा अब ये मेथड जो है यहाँ पे आपको कोई एरर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अब ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, एक अदद इंटीजर। लिहाजा जो भी मेथड इस मेथड को कॉल कर रहा है वो क्या कर सकता है कि जो भी वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो रही है उसको अपने पास स्टोर कर सकता है। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10,20, तो 10 जो है वो पास हो जाएगा एक्स को, और 20 जो है वो पास हो जाएगा किसको, वाई को, और इन दोनों का जो सम है वो के में आके कि वहाँ से रिटर्न होगा मेन मेथड के अंदर। मेन मेथड में जो के है उसमें वो वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 3030। और फिर आप यहाँ से चाहें तो इस वैल्यू को जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनाब वैल्यू ऑफ के इज, और इस तरीके से मैंने यहाँ पर के लिख दिया। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन, तो होगा ये कि मुझे जो है वो इसका आउटपुट मिल जाएगा। कंसोल पे मुझे लिखा हुआ नज़र ये आएगा जनाब के वैल्यू ऑफ के इज 30, और ये जो 30 है ये इस बात का इशारा है कि 10 और 20 जो है वो ऐड के मेथड को पास हुए, और ऐड के मेथड ने दोनों को सम करके उनका रिजल्ट रिटर्न कर दिया। अच्छा, हम चाहें तो और भी मेथड्स बना सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर जो है वो एक और मेथड बना देता हूँ, और ये जो मेथड है इसका नाम मैं रख देता हूँ मल्टीप्लाई, और इसमें भी दो वेरिएबल्स पास कर देता हूँ मैं, इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई। और अब की दफ़ा इस मेथड के अंदर मैं करूँगा ये कि
दोबारा से लिखूंगा इंटीजर के इक्वल्स टू एक्स, लेकिन यहाँ पे लिख दूंगा वाई, और फिर मैं यहाँ से रिटर्न करवा दूंगा किसको, के को, और रिटर्न टाइप रख दूंगा इंटीजर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से ऐड के बजाय जो है वो दोबारा से लिखता हूँ मल्टीप्लाई, और इसके अंदर जो है वो 10,20 पास कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये रिटर्न करेगा। अब देखिए यहाँ एक एरर आ रहा है, और वो एरर क्या है, वो एरर ये है कि के ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, आपने दोबारा से के बना दिया, ठीक है, तो हम K2 कर देते हैं इसे, सही है। अब सवाल ये है कि यहाँ तो ये मसला आ रहा है, लेकिन के तो मैंने यहाँ भी बनाया हुआ है और के मैंने यहाँ भी बनाया हुआ है, यहाँ क्यों नहीं आ रहा। नहीं, क्लास तो एक ही है, स्कोप अलग है, क्लास एक ही है, लेकिन ये ध्यान में रखें कि ये दोनों अलग अलग मेथड है। देखिए एक ही वेरिएबल को विद इन दी मेथड आप दोबारा से नहीं बना सकते, ठीक है। अच्छा, अगर ये क्लास वेरिएबल होता तो क्लास में भी दोबारा नहीं बना सकते थे, मैं अभी क्लास पे नहीं आ रहा। अगर देखें, बात ये है कि ये डिक्लेयर कहाँ हुआ है, ये डिक्लेयर हुआ है मेथड, तो अब दोबारा मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं हो सकता इसी नाम से, ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाएगी। लिहाजा यहाँ देखें, ये के यहीं बना था चल गया, के यहीं बना था चल गया, ये के इसी मेन के अंदर डिक्लेयर हुआ था चल गया, लेकिन अगर मैं मेन के बाहर बनाता, क्लास के अंदर बनाता, तो फिर कहीं भी नहीं बना पाता पूरी क्लास में 12। तो अब ये जो के टू है, अगर इसकी वैल्यू मैं प्रिंट करवाऊंगा तो वो जाहिर सी बात है मुझे जो है वो 10 और 20 का जो मल्टीप्लाई करने का रिजल्ट है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब मैंने एक ही दो मेथड्स बना लिए और इस तरीके से मैंने इनको यूज़ कर लिया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरीके से एक और मेथड बनाऊँ, स्टैटिक वॉइड, और ऐड उसका नाम रख दूँ, और यहाँ पे लिख दूँ इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई, और जनाब मैं चाहिए रहा हूँ कि ये वाला मेथड जो है कुछ रिटर्न ना करे बल्कि ये यहीं पर प्रिंट करवा दे, तो मैं करूँगा ये कि ऐसे करके इनका रिजल्ट कैलकुलेट करूंगा और यहाँ पे जो है वो वैल्यू को प्रिंट करवा दूंगा। लेकिन अब यहाँ एक और मसला आ जाएगा, यहाँ क्या मसला आ गया जी, यहाँ मसला ये आ गया कि ये तो मसला नहीं है, मसला ये आ गया कि ऐड नाम का मेथड पहले से मौजूद है, मैंने एक और ऐड के नाम का मेथड यहाँ बना दिया, तो अब जब यहाँ से ऐड कॉल होगा तो इसको कन्फ्यूजन हो जाएगी कि इस ऐड को कॉल करे या इस ऐड को कॉल करे, ठीक है। तो देखिए एक बात यहाँ पे आप समझ लें कि एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं मेथड सिग्नेचर, मेथड सिग्नेचर, मेथड सिग्नेचर जो है वो बराबर होता है मेथड नेम प्लस नंबर ऑफ पैरामीटर प्लस टाइप ऑफ पैरामीटर। समझाने के लिए मैंने लिखा है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, बाज लोग जो है इसमें रिटर्न टाइप भी इंक्लूड करते हैं, क्या मतलब है, देखें सी शार्प ये अलाउ करती है कि एक ही नाम के एक से ज्यादा मेथड्स आप बना सकते हैं अनलेस एंड अनटिल, जब तक के उनके सिग्नेचर डिफरेंट हों, तो यानी सेम नाम का मेथड हो सकता है लेकिन सेम सिग्नेचर के मेथड्स नहीं हो सकते, सही है। तो अब देखिए यहाँ पे मसला ये है कि ये जो दोनों मेथड हैं इनका सिग्नेचर सेम है, सिग्नेचर सेम होने से मुराद इनका नाम भी सेम है, इनके नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स भी सेम है, और नंबर ऑफ जो पैरामीटर है उनकी टाइप भी सेम है। लिहाजा अगर मैं चाहता हूँ ऐड का मेथड बनाना तो मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे लिख दूँ जनाब फ्लोट, या डबल लिख दूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया डबल, और फिर जाहिर है यहाँ पे मुझे डबल लिखना पड़ेगा, तो अब ये मुझे अलाउ कर देगा कि ये ऐड का मेथड जो है वो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, आपको एरर नहीं आएगा, ठीक है। और अब सवाल ये उठता है कि भाई ये कब कॉल होगा और ये कब कॉल होगा, तो देखें अगर मैं यहाँ से कॉल करता हूँ 10,20 करके तो ये वाला कॉल होगा इंटीजर वाला, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कॉल कर लिख दिया 10.5 और 20.0, तो अब जो है वो डबल वाला कॉल होगा,
ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने दो डबल वैल्यूज़ जो हैं वो भिजवाई हुई हैं, और ये ज़ाहिर है कुछ रिटर्न नहीं करता तो यहाँ पे कुछ होना नहीं चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है? मेथड ओवर। एक और ऐड करना था। एक और ऐड कर ले आप यहाँ पे जो है वो, सपोज एक डिवाइड का मेथड बना दें जो कि दो वैल्यूज़ ले रहा है। अच्छा चलें, ऐड का ही मेथड बनाएं, लेकिन यहाँ पे जो है वो डबल के बजाय जो है वो आप ले लें जनाब फ्लोट ले लें। अब फ्लोट और डबल में कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो आप ऐसा करें कि एक इंटीजर ले लें और एक डबल ले लें, ठीक है? अब ये भी अलाउड है। अब ये कब कॉल होगा? ये उस वक्त कॉल होगा जब एक वैल्यू इंटीजर होगी और एक डबल होगी, ठीक है? रिजल्ट इसका डबल ही होगा क्योंकि वो दोनों कंबाइन होके जो है वो डबल डेटा टाइप में आ जाएंगे, इंटीजर आराम से डबल में आ जाएगा। तो समझने वाली चीज़ यहाँ पर यह है कि एक ही मेथड, एक एक से ज़्यादा मेथड एक ही नाम के हो सकते हैं अगर उनके सिग्नेचर डिफरेंट हों तो। सही है, सिग्नेचर डिफरेंट होने से मुराद ये है कि जनाब उनके अंदर मौजूद आर्गुमेंट्स और उनकी टाइप डिफरेंट होनी चाहिए। सही है, देखिए इसके बड़े फायदे हैं। इसको कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग, और मेथड ओवरलोडिंग जो है इसके बड़े फायदे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैं अब आपके सामने लिख रहा हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन। अब ये राइट लाइन का मेथड है जो कंसोल की क्लास में मौजूद है, और देखिए मैंने यहाँ ब्रैकेट ओपन किया तो मुझे यहाँ पर एक टूल टिप नज़र आ रही है जो विजुअल स्टूडियो दिखा रहा है। इसमें देखें क्या लिखा हुआ है शुरू में, वन ऑफ 19। इसका क्या मकसद है? हाँ, इसका मतलब ये है कि कंसोल की क्लास में राइट लाइन के 19 मेथड हैं। कितने? 19 मेथड। सही है, और किस लिए बनाए गए हैं ये 19? 19 मेथड इसलिए बनाए गए हैं कि अगर मैं राइट लाइन में कुछ भी नहीं लिखता और ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो पहला कॉल हो जाएगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ जनाब, अब मैं जो है वो बूलियन वैल्यू दे देता हूँ, तो अब मेथड ही डिफरेंट कॉल होगा। कौन सा वाला? दूसरा कॉल होगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर जो है वो करता ये हूँ कि कैरेक्टर वैल्यू दे दूँ तो तीसरा कॉल होगा। अगर मैं कैरेक्टर एरे देता हूँ तो चौथा कॉल होगा। डेसिमल के केस में पांचवा, डबल के केस में छठा, फ्लोट, इंट, लॉन्ग, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, अनसाइंड इंट, अनसाइंड लॉन्ग। फिर ये आपको बहुत सारे यहाँ पे राइट लाइन के मेथड नज़र आ रहे हैं। देखें, इतने सारे मेथड रखने का फ़ायदा ये है कि अब हमें अलग-अलग मेथड्स के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ राइट लाइन लिखते हैं और किसी भी किस्म का डेटा इसको पास कर देते हैं, और जो भी डेटा हम पास करते हैं उसका रिस्पेक्टिव मेथड कॉल हो जाता है। तो उससे हमें एक जर्नलाइजेशन मिल जाती है, हमें एक आसानी मिल जाती है। हम कुछ भी भेजें वो यही एक मेथड जो हम समझते ही हैं, हमें लगता ही ये है कि एक ही मेथड है जो हर तरह की डेटा टाइप के डेटा को एक्सेप्ट कर रहा है, हालांकि ये अलग अलग मेथड है और एक ही नाम के हैं। तो इससे कोडिंग करने में आसानी हो जाती है। मेरी बात समझ में आ रही? किसका स्टैटिक? मैंने अभी बताया नहीं है, मैं बताऊंगा। कुछ चीज़ें मैंने अभी नहीं बताई ना, वो ऐसा ऐसा मैं बता दूंगा। स्टैटिक नहीं बताया, क्लास नहीं बताया, ये भी ऐसा ऐसा चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, सही है जनाब? तो ये हमने कौन सी अभी बात कर रहे हैं, हम किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मेथड ओवर लोडिंग के ऊपर। ठीक है, कोई इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं है? ये अभी और भी आगे चीज़ आएगी, ये अभी जब हम पॉलीमॉर्फिज्म डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर भी मज़ीद ये डिस्कशन होगी। ठीक है, अच्छा इस सॉल्यूशन को मैं कर रहा हूँ यहाँ पर।